डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ। वो बिट्रे नहीं करेंगे। वो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी दिव्या। कैपिटल एन कैपिटल ओ दैट मींस नो। इतना समझता है तो टू टू बार बार आता है। 4 महीने हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। किसने किया ये? कबीर शेरगिल। क्या पठान के सेट से आया शाहरुख खान का नया लुक? क्या फैंस हुए दीवाने? कब रिलीज होगी पठान? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मौलीग्राज स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों, शाहरुख खान इस वक्त साथ साथ कई फिल्में शूट कर रहे हैं, जिसमें कि पठान, जवान और राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म है। सेट से शाहरुख खान की कई तस्वीरें लीक भी हो चुकी हैं, जहां शाहरुख खान सफ़ेद शर्ट और एक जूड़े में नज़र आ रहे हैं, जो कि लेटेस्ट तस्वीर है और इसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी है। आपको बता दें, शाहरुख खान पठान के बाद जवान और जवान के बाद डंकी में नज़र आएंगे। ये तीनों ही फिल्में साल 2023 में रिलीज होने वाली है, जहां पठान 23 जनवरी 2023 को रिलीज होगी, वहीं जून में आएगी एक्सी की जवान और राजकुमार हिरानी की डंकी आएगी क्रिसमस पर, यानी कि साल 2023 है SRK के नाम। वहीं दोस्तों, पठान यशराज फिल्म्स की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के साथ शाहरुख खान वापसी को तैयार है। माना जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान एक बार फिर से धमाकेदार वापसी करेंगे। एक्शन कमबैक के साथ शाहरुख दर्शकों का दिल जीतेंगे। उनके कमबैक में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और सिद्धार्थ आनंद और यशराज ने मिलकर प्लानिंग कर ली है कि इसे शाहरुख की करियर बेस्ट फिल्म बनाएंगे। हाल ही में शाहरुख खान ने अपने पठान लुक में पेप्सी का एक ऐड भी किया था। इस ऐड में शाहरुख अपने पठान के ही एक्शन अवतार में नजर आए। फैंस इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो ये टीज़र है, पिक्चर पूरी बाकी है। इसके बाद शाहरुख खान के अनाउंसमेंट के साथ ही फैंस को एक्साइटमेंट भी हुई। इस छोटे से टीज़र ने शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आपको कितना इंतज़ार है पठान का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।